पार्टी से क्या क्या पूछते हैं। इमरान खान ने कहा था ना कि अब मैं वजीर आजम बनूंगा, छोटे मोटे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब छोटे से बड़े हो गए आज तक बताइए ना, शर्म कर दौर में रात से भी मोदी से भी बेहतर उन्हें क्या सही करना, जो पहले नहीं कुछ कर सके अब क्या करें। इमरान खान मतलब अपने का मकसद ही यही था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अहमदाबाद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल अलाइट टॉक्स। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ की है और नवाज शरीफ का कहना है कि जो हमारे हमसाया मुल्क है जैसे इंडिया भी है उनके साथ जो तजारत है उसके अंदर बेहतरी लाएंगे और जो तजारती मामलात हैं उसको बेहतर करेंगे और जो बॉर्डर्स हैं उसको खोल के दोनों ममालिक के अंदर तजारत करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा कि नवाज शरीफ ने कहा है कि जो तजारत है इंडिया के साथ और जो बाकी मामलात हैं हमारे वो खोलने का इरादा है उनका, वो कहते हैं कि इनके साथ जो हमारे ताल्लुकात तो बेहतर करेंगे, तो क्या ऐसा होना चाहिए? जी ज़रूर होना चाहिए बड़े भाई, वो भी हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन हमारा जब से पाकिस्तान से उनको नमक जाता है उधर से लेके आता है नशा पान का, देखो ना किस वजह से कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ ने क्या किया मुल्क के लिए आप बताएं, उन्होंने महंगाई किया ये सारे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बना था ठीक है, तो जो छोटी सीटें थी एम पी एम एन एन ए वगैरह थे ये सारे साथ मिल गए थे। इमरान खान ने कहा था ना कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूँगा ये छोटे मोटे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जो हालात चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब का इम्कान हैं वज़ीर आज़म बनने के, और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के साथ वो ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए? हमारे मुल्क पर रहम करे और ये बादशाहों से हमारा जान छुड़ाए, बहुत जालिम लोग हैं। हमारे मुल्क में हर चीज़ें सोना है, हमारे पहाड़ों के अंदर इतना सोना है कि हम पूरा दुनिया से अमीर तरीन लोग हैं। लेकिन बात जो ये है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ दूसरे गद्दारियों से बहुत बेहतर है, और उसने ये भी कहा है, उसने ये भी कहा है कि जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है इंडिया वो फिर कुमरान लाजमी आस पास में जो कारोबार जो है वो जितने जो भी कारखाना दार आदमी है वो सारे कारखाने को इंडिया में। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान। अच्छा रिजवान भाई, ये पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए हैं, और क्या लगता है कि 2013 जैसे हालात आएंगे महंगाई कम होगी? नहीं भाई, हम छोटे से बड़े हो गए, आज तक महंगाई कम ही नहीं होगी। 2013 वाले कौन से, 2010 वाले, 15 वाले, 18 वाले, 20 वाले भी नहीं आने वाले। हाँ जी, ये आगे जाके महंगाई बढ़नी है। और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो तभी बन गया था जब वो पाकिस्तान आया था, आप समझदार हैं आपको पता ही है, रिजल्ट भी आपने देखे हैं, सब कुछ देखा है क्या हुआ क्या यहाँ पे, आप मजीद और देखें। लेकिन देखें ना 2013 के अंदर जो हालात थे वो 2024 के मुकाबले में अच्छे थे, 2018 में अगर 2018 या 20 की बात करें तब तो 5 साल की हुकूमत थी, और तो जब नून लीग की हुकूमत थी तब काफ़ी जो हैं वो हालात बेहतर थे, तो क्या लगता है अब दोबारा हालात बेहतर नहीं होंगे, दोबारा हालात बेहतर करेंगे? अगर ये देखा जाए तो फिर तो मुशरफ इनसे पहले था, मुशरफ के दौर में रात से भी नून लीग से भी बेहतर थे। जैसे हुकूमत आगे आती जाएगी हालात बेहतर नहीं होगा, हालात नीचे ही आते गए हैं, गरीब से गरीब ही होते। उन्होंने बड़े वादे किए हैं आवाम से कि हम आ रहे हैं, हम गरीबों का सहारा बन रहे हैं। कौन सा सहारा बनेंगे, कोई सहारा नहीं बन रहा, ये जो सहारे हैं वो भी छीन रहे हैं आपसे। तो क्या लगता है कौन ऐसा आएगा जो मुल्क के हालात ठीक कर सकता है? कोई नहीं, अभी तो देखने में तो कोई नहीं लग रहा, इमरान खान अंदर है आया, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे, चौथी चौथी तीसरी दफ़ा आ गए, इन्हें क्या सही करें, जो पहले नहीं कुछ कर सके अब क्या करें। और जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे वो भी, और जो बाकी सीटें थी जिनके पास मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी बिलावल, तो ये इल्हाक कर रहे हैं, इल्हाक करके हुकूमत बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि मिलकर अगर हुकूमत बन जाए तो? जो पहले भी बनी मिल के ही बनी हुई थी पीडीएम, किसका नाम था मिलकर बनने वाली हुकूमत का नाम पीडीएम रखा था ना, जो आज़ाद है जो अपना ईमान बेचेंगे, जो जिन्होंने पैसे कमाने हैं वो तो चले ही जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वो आपको पता ही है, जो इमरान खान के पहले पक्के सपोर्टर थे वो उनके साथ ही रहेंगे। जो आज़ाद खड़े हुए थे उन्होंने खान साहब के पोस्टर भी लगाए, कहा कि हम खान साहब के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर वो मिल जाए उनके साथ? यार आपको पता ये जरदारी ये सारे ये पहले भी मिले थे, अब भी मिले, कोई नई बात होनी नहीं है, वही पुराना जो चलता आ रहा वही निज़ाम है। इमरान खान अंदर रखने का मकसद ही यही था, इलेक्शन करवा के पल्ले का निशान भी छीन लिया, और क्या इसके ऊपर क्या हो सकता है, अब तो एंड है, और से ज़्यादा हमें क्या देखें।
जी तो नाजरीन हमने आवाम से की बात और उनके क्या तासुरात थे, उनके क्या ख्याल थे हमने आप तक पहुँचाए। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी और आपके क्या तासुरात हैं, वो भी हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ। और इसी के साथ हमें दे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह ने के पास।